हैं मिटके बाजार और रुचि जैन आसिम अमन हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो एचईजी पर उनकी एक राय ले लेते हैं, अभी हम बात भी कर रहे थे मैनेजमेंट से, लेकिन तकनीकी नजरिया उनका क्या है वो समझ लेते हैं। रुचित गुड आफ्टरनून, बताइए एचईजी पर क्या व्यू है आपका? वेरी गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल आप जैसे ही मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, मैं यहां का ये स्टॉक का पोजिशनल चार्ट जब देख रहा था तो ये स्टॉक ने जून 2017 से जो आउट परफॉर्मेंस बताया है, आई थिंक विद इन द मिड कैप स्पेस कोई भी दूसरे स्टॉक ने ऐसी आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने मिली है। जून में आई थिंक 260-270 के करीब से इसमें ये तेजी की शुरुआत हुई थी जून 2017 में, जहां पे अब लगभग आई थिंक लगभग 3600-3650 का हाई ये स्टॉक ने रजिस्टर किया है। हालांकि जून के सेकेंड हाफ में कोई भी करेक्टिव मूव देखने नहीं मिले थे, लेकिन अभी जनवरी 2018 से जब भी हम मिड कैप स्पेस में करेक्टिव मूव देखे हैं तो इसमें भी ये स्टॉक में भी दो बार करेक्शन आए हैं, लेकिन जब भी ये स्टॉक में करेक्शन आए हैं तो उस करेक्शन में वॉल्यूम्स काफी कम रहे हैं, और जब ये स्टॉक करेक्ट होकर फिर से अपमूव की तैयारी करता है या फिर से ऊपर जाता है तो वॉल्यूम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि गिरावट में वॉल्यूम्स कम है लेकिन जब स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं। तो आई थिंक आउट परफॉर्मेंस आगे भी चल के कंटिन्यू रहेगी, हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन हमें देखने मिले क्योंकि पिछले 8-10 महीने में स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बट आई थिंक जो अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और ये स्टॉक आपको अभी भी होल्ड करना चाहिए, आगे चल के रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आई थिंक ये स्टॉक 3800-3900 के टार्गेट्स आने वाले 6-8 महीने में टेस्ट कर सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड पे रखना चाहिए और फ्रेश एंट्री करनी है तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 3800-3900 तक ये स्टॉक जा सकता है, आपके पास है पोर्टफोलियो में तो होल्ड रखिए, ऑन डिप्स मिले तो खरीदिए। अब बैंक निफ्टी पर एक स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं क्योंकि 12 बजे यानी इस घंटे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और हमारे साथ फोन लाइन पर नितिन, को ब्रेक कर दिया था, आज सिर्फ उसको पानी भर की कोशिश मार्केट पहले कर रहा है। अभी है 47 अंक की बढ़त, हालांकि सुबह से हमको ओपनिंग के ट्रिगर मिले, बाद में हल्का कमजोर भी हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में जिस तरह का रुझान अभी तक बना हुआ है उससे शायद आज बाजार को थोड़ा सहारा मिल रहा है। ऑलरेडी बाजार बैंकिंग को छोड़ के पहले सारे काफी सारे शेयर्स को नुकसान दिखा ही चुका था और इस वजह से आज वहां पर भी थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल रहा है। इसलिए बैंकिंग के अलावा का पुल बैक, बैंकिंग का सपोर्ट, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको आज निफ्टी को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करें, लेकिन 10,500 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पार होने पर ही ये समझा जाएगा वापस अपने कंफर्टेबल जोन में, नहीं तो ये वीक स्ट्रक्चर के तौर पर ये भी कैलकुलेट होगा। आगे बढ़ते हैं, रुचित जैन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपको रणनीति बताएंगे। हालांकि हमारी बैंक निफ्टी को लेकर रणनीति लगातार बिल्कुल साफ है, रुचित से बात करने से पहले ना एक बार एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर पोल आपको वापस रख देते हैं आपके सामने, ताकि अगर आपसे मिस हो गया आप ना जान पाए तो एक बार वो देख लीजिए वापस से। 25,500 के नीचे बैंक निफ्टी के चांसेस बेहद कम है, बेहद कम है, और वो सिर्फ 5% आता है। 25,500 से 600 के बीच में 20% आता है। ये हिस्से को अगर आप छोड़ना भी चाहें तो आप छोड़ सकते हैं अभी तक, तो क्योंकि मार्केट ने ऐसा कोई साइन दिया नहीं कि वो थर्ड सेकंड नंबर वाली ब्रैकेट यानी कि 20% वाली ब्रैकेट में आ रहा है। अब हम आते हैं इससे ऊपर जहां से 3540 आपको दिख रहा है, 25,600 से लेकर 700 से लेकर 800, ये 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रेंज है जिसमें 75% ब्रोकर यानी कि 10 में से 7.5 ब्रोकर, 7-8 ब्रोकर आप समझ लीजिए, उनका ये कहना है कि इस रेंज में आके आज वीकली एक्सपायरी कटेगी। बैंक निफ्टी का रुझान कम से कम आपको बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग इंडेक्स के बारे में बहुत क्लियर कर रहा है। यही इंडेक्स आपका आज निफ्टी के लिए भी काम कर रहा है। आज बैंक निफ्टी का तीसरे दिन का सपोर्ट ये बता रहा है कि आज आपके निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। इसलिए ये पोल जानना सिर्फ बैंकिंग के लिए जरूरी नहीं बल्कि पूरे बाजार के लिए बहुत जरूरी था, शुरुआत हमने इसी से की है। अब आते हैं रुचित जैन के पास, रुचित आपकी राय क्या है, मार्केट आज 10,500 को वापस गेन कर लेगा? गुड आफ्टरनून डिम्पी का निफ्टी की बात करें तो यहां पे पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट मैं प्रिसाइसली कहूं तो जो कर्नाटका इलेक्शंस के आउटकम आए थे उस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही के डेली चार्ट्स पे रिवर्सल पैटर्न्स फॉर्म हुए थे। वो रिवर्सल पैटर्न के फॉर्म होने के बाद हमने कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है और अभी भी यहां पे कोई संकेत नहीं है कि यहां से फिर से तेजी का रिजम्पशन होगा। यस, आज हालांकि हम 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं बट ये इसे जस्ट एक पुलबैक मूव मानना चाहिए, ना ही कि एक अप ट्रेंड का पार्ट मानना चाहिए।
तो ज्यादातर ऐसे कंडीशंस में यूजुअली हमें ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के अगेंस्ट तभी जाए जब आपको कुछ रिवर्सल पैटर्न के फॉर्मेशन मिले। तो अभी तक कोई रिवर्सल के पैटर्न नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। 10,490 अगर इंट्राडे में आता भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी यूज करे फिर से शॉर्ट पोजिशन बनाने के लिए, 10,535 का एक स्टॉप लॉस रखे, और जो टारगेट प्रोजेक्शन है आने वाले कुछ 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में वो इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज पे है, जो 10,330 पे प्लेस्ड है। 200 दिन का मूविंग एवरेज यूजुअली काफी एक रिस्पेक्ट अर्न करता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट उसे मानते हैं। तो आई थिंक 10,330 एक ऐसा महत्व का लेवल रहेगा जहां पे बाद में सब शॉर्ट पोजिशन वापस स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये तो होगी। फिर आपका स्वागत है मार्केट में। ठीक है, अच्छा पुल बैक हमको मिल रहा है, लेकिन 10,500 एक बार आ जाए तो और अच्छा होगा। 485 तक तो आ चुके हैं, 55 अंकों की बढ़त हो चुकी है। इसी कार्यक्रम में 15 अंकों की निफ्टी और चली है। उम्मीद करते हैं आज एक बार 500 पार हो जाएगा तो अच्छी कवरिंग भी आपको देखने को मिलेगी। खैर, इस बीच एक और चीज हम और समझ लेते हैं, रुचित से उनके ट्रेड। रुचित मेरे को बताएंगे आपके सौदे कौन से? हमें चेन्नई पेट्रो में शॉर्टिंग की सलाह है। हमने ऑयल एंड गैस स्पेस में काफी सारे स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में दबाव देखने मिला है। इवन चेन्नई पेट्रो में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर है अभी भी कंटिन्यूड है, और वीकली चार्ट्स को देखते हुए लग रहा है कि इनके जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है 245 के आसपास वो भी टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। 277 के स्टॉप लॉस है, इसको शॉर्ट करें, 245 तक के टारगेट करें। और यहां पे कॉन्ट्रा बाय कॉल है बलरामपुर चीनी के कॉल ऑप्शन में। ये स्टॉक काफी दिनों से बैन पीरियड में चल रहा था। लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखे तो यहां पे स्टॉक प्राइजेस में अपमूव आया है और ये बैन पीरियड से निकला है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। तो यूजुअली ऐसा शॉर्ट कवरिंग में हम मान के चलते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है यहां पे। तो जो वॉल्यूम्स हो रही है अपमूव में, ये देख के लग रहा है कि ये पुल बैक और एक्सटेंड कर सकता है यहां पे। तो आई थिंक शॉर्ट, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में गिरावट काफी ज्यादा है ये स्टॉक प्राइजेस में, इसके लिए पुल बैक मूव्स भी शार्प ही रहते हैं यूजुअली ऐसे टाइम पे। तो बलरामपुर चीनी के 70 रुपए के कॉल ऑप्शन जो अभी 2 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है उसमें खरीदारी करे, 2 रुपए का रिस्क रहेगा यहां पे और सामने 6 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। लेकिन यानी कि हम अगर लॉट साइज के हिसाब से जाए, 3,500 का लॉट साइज है तो पर लॉट 7,000 रुपए का रिस्क होगा और 14,000 रुपए का मुनाफा का टारगेट्स रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे सौदे आपके सामने। इसमें कुछ ऑप्शन के सौदे भी हैं। 70 रुपए की जैसे कॉल अगर आप खरीदना चाहते तो खरीदिए, 2 रुपए का है, इसमें आपको ट्रेड लेना होगा, 6 रुपए तक का टारगेट है, टिल एक्सपायरी तक आप सौदे को रख भी सकते हैं। एक खबर आप नीचे और देख पा रहे हैं जो कि एनएससी से है। एनएससी